नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के लपसीपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें दो लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जहानागंज थाना क्षेत्र के लपसीपुर गांव के रहने वाले महेंद्र चौबे के गांव के ही विजय बहादुर सिंह आदि से जमीन का काफी पुराना विवाद है। आरोप है कि सोमवार को विपक्षी विजय बहादुर, जयप्रकाश राघवेंद्र और अन्य तीन अज्ञात व्यक्तियों के साथ विवादित भूमि पर पटाई का कार्य चल रहा था। मना करने पर विजय बहादुर ने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए लाठी डंडा व फावड़े से मारने के लिए दौड़ा लिया। जान बचाने के लिए पीड़ित भागकर अपने घर में घुसा तो हमलावरों ने घर में घुसकर मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव को आए उनके भतीजे व भाई को हमलावरों ने मारपीट कर घायल कर दिया। घायलों का इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जमीनी विवाद की वजह से सब हुआ है। मैं सुबह का टाइम था, सुबह के टाइम जब मैं गया, ये लोग मिट्टी पाटना स्टार्ट कर दिए। मैं मौके पर जाकर कहा कि देखिए, चकबंदी भी मामला चल रहा है, बहुत पुराना चल रहा है, इसको चलने दीजिए। इसी तरह से हमारा एसओसी का स्थगन आदेश है, जो कि ना हम निर्माण कर सकते हैं इसमें कुछ, ना आप कर सकते हैं, ना मिट्टी पाट सकते हैं। तब तक विजय बहादुर सिंह ललकार के हमको बोले कि मारो इसको, ये बार बार जान से मार डाले। तब तक इनके भतीजे और इनके भाई सब लोग दौड़। क्या नाम है इनके भतीजे भाई? ज्ञानेंद्र हैं, राघवेंद्र हैं, इनके भाई जयप्रकाश हैं और अज्ञात लोग थे साथ में। कब से विवाद चल रहा है और क्या घटनाक्रम? विवाद 4-5 साल से चल रहा है। 2016 में भी एसओसी का स्थगन आदेश हुआ, जिसमें बताया गया कि न आप निर्माण करेंगे, न ये 4-9 का स्थगन आदेश है। लेकिन ये लोग जबरदस्ती हमेशा लोग पाटते रहते हैं मिट्टी, मना करने पर दौड़ाते हैं लोग मारने के लिए। और घर में औरतें रहती हैं, गेंदबाजी करते हैं लोग, रात के समय में लोग लाइट काट दिए जा करके। हम लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं, पुलिस से कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है हम लोगों को। हम लोगों को FIR की कॉपी अब तक नहीं दी गई है। और ये लोग जब हम भगे तो ललकार कर दौड़े ये लोग और हमको घर में से घसीट के ला करके और मारना स्टार्ट की। मेरा भाई लैट्रिन में था, वो दौड़ के आया उधर से, जब हमको उठाने के लिए नीचे लटका तो उसके पीठ पर लोग प्रहार किए। क्या चाहते क्या हैं? हम यही चाहते हैं कि शासन से कि न्याय हो। हम लोगों को चोट लगी है, मारे हैं लोग बुरी तरह से हम लोगों को दौड़ा दौड़ा करके। और हम यही प्रशासन से गुहार करेंगे कि इसके पक्ष में न्याय हो हम लोगों का। वहाँ मामला यह है कि उस गाँव की चकबंदी चल रही है और राजी नंबर 409 का विवाद है। उसमें ये विपक्षी लोग जबरदस्ती जो है बार बार मट्टी पाट रहे थे, मना करने पर नहीं माने, तो हम लोगों ने एसओसी के यहाँ से एक प्रार्थना पत्र दे करके स्टे कराया। स्टे के बाद वहाँ से चकबंदी ऑफिस से कानूनगो और लेखपाल ये दोनों लोग आए, रिपोर्ट लगाया। रिपोर्ट लगाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने 2016 में ये कार्रवाई की, हमने प्रार्थना पत्र थाने पर दिया। 2017 में 9 फरवरी 2017 को प्रार्थना पत्र दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर एक प्रार्थना पत्र दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो लोग जबरदस्ती जो है हमारी ज़मीन को कब्जा करना चाहते हैं और चकबंदी द्वारा ये स्टे है कि विवादित ज़मीन में कोई मिट्टी ना पाते। 409 में विपक्षी पर कोई मिट्टी ना पाते। कल घटना यह है कि जब इन लोगों के साथ हुआ तो हमारे छोटे भाई वीरेंद्र चौबे, उन्होंने हमें फ़ोन किया कि भैया ऐसा ऐसा हो गया है, मारपीट हो गई है। तो हम लोग यहाँ से 7:30-8 बजे के बाद हम और हमारे छोटे भाई चंद्रकिशोर चतुर्वेदी दोनों लोग मौके पर गए, तो वहाँ गए तो नहीं मिले हम लोग थाने पर। तो इन लोगों से थाने में हमारी मुलाकात हुई। विपक्षियों के ऊपर FIR तो दर्ज हुई है, लेकिन विपक्षी खुले घूम रहे हैं। घर पर जाकर के उन्होंने बिजली का कनेक्शन काट दिया और वहाँ बैठ करके काफ़ी हत्या कर सकते। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी पुलिस द्वारा, हम चाहते हैं कि हमारा जो है पुलिस द्वारा सुनवाई हो, लेकिन पुलिस हमारे किसी काम पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अच्छा, कितने लोग घायल हैं पूरे मामले? हमारी तरफ से 3 लोग घायल हैं। मुकदमा दर्ज हो गया है? हाँ, FIR दर्ज हो गई है। ठीक है, उसमें मुकदमा कायम कर लिया है और उसमें जो भी उचित कार्रवाई है वो मैंने इंस्पेक्टर को बता दिया है, उसमें कार्रवाई होगी।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।